आरएलपी उम्मीदवार विक्रम सिंह गुर्जर ने पर्चा भरा है। नामांकन के बाद विक्रम सिंह गुर्जर की रैली, देवली उनियारा से उम्मीदवार हैं विक्रम सिंह गुर्जर। नामांकन के बाद जनसंपर्क विक्रम सिंह गुर्जर कर रहे हैं। देवली उनियारा में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है, ये तस्वीर आपको उनियारा से लाइव दिखा रहे हैं। नामांकन के बाद की ये तस्वीर है विक्रम सिंह गुर्जर की, जहाँ उनके समर्थन में ये रैली निकलती हुई नजर आ रही है। जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग हैं उनका समर्थन भी दिखाई दे रहा है। तो कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का प्यार नजर आ रहा है। तो नामांकन का समय 3 बजे तक था, नामांकन शुभ मुहूर्त में भरा गया। विक्रम सिंह गुर्जर के द्वारा ये नामांकन भरा गया और अब उनके समर्थकों के द्वारा उनके नेतृत्व में रैली निकाली जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला है देवली उनियारा में। आरएलपी उम्मीदवार विक्रम सिंह गुर्जर हैं तो देवली उनियारा से बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी, उनके प्रत्याशी भी सामने होंगे और ऐसे में यह त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। आज नामांकन भरने का दिन 3 बजे तक का वक्त था और आज छठे दिन नामांकन जोर शोर से भरा गया है और विक्रम गुर्जर नामांकन भरते हुए नजर आए। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तस्वीर लाइव जहां जो जोर शोर से सभा करते हुए, रैली करते हुए नजर आ रहे हैं, रैली में तमाम उनके समर्थक हैं, दूर तक हुजूम नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम गुर्जर ने नामांकन भरा, निर्वाचन अधिकारी को ये नामांकन पत्र दिया गया है और उसमें पूरी डिटेल भरी गई है और इसके बाद रैली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ये रैली लाइव तस्वीरें हैं, निकाली जा रही है और इस रैली में जो उनके समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, वो हर कोई यहाँ नज़र आ रहा है। उस जनता के लिए जिसके बीच वो इतने वक्त तक रहे हैं, उनके लिए काम किए हैं, वो जनता भी यहाँ पर नज़र आ रही है। जोश है, उत्साह है, जनसंपर्क करके लोगों से मिल रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं वोट देने की। वहीं ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दर्शन करते, भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया है, सफलता का ये आशीर्वाद और इस सफलता के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद की, जब चुनाव हो वोट डलें तो उनके पक्ष में ये वोट डलें, उनको जीत मिले और इसी जीत की कामना के को लेकर भगवान के दर्शन करने के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हैं। तमाम समर्थक भी उनके साथ में यहाँ मौजूद हैं क्योंकि ये वो सीट जो जहाँ से बीजेपी ने भी विजय बैसला को उतारा है, यानी गुर्जर दो आमने सामने होंगे, त्रिकोणीय मुकाबला है हालांकि, लेकिन कितना वोट किसे जाता है, कितना परसेंटेज रहेगा ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ नज़र आ रहा है कि हुजूम है जनता का, समर्थकों का, विक्रम सिंह गुर्जर के साथ जो तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं उनके, जो जनता जिसके साथ हमेशा वो जुड़े रहे वो है, और ऐसे में उन विक्रम सिंह गुर्जर उनका भी उत्साह देखते बनता है जब जनता के साथ उनके लिए कार्य करने के लिए भी वो प्रतिबद्ध हो जाता है। और आज विक्रम सिंह गुर्जर भी जब जनसंपर्क कर रहे हैं तो अपील भी कर रहे हैं, तो वो ये प्रतिबद्धता भी जता रहे हैं कि वो अगर जीतते हैं तो कार्य यहाँ की जनता के लिए करेंगे, उनके लिए लगातार काम करते रहेंगे, उनकी समस्याओं को हमेशा सुनते रहेंगे और उन समस्याओं का हल भी निकालते रहेंगे, निवारण जितना हो सकेगा वो करेंगे।